कहानी है और आज हम लोग जेक्वेरी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ जेक्वेरी। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसको 2006 में लॉन्च किया गया था। यह फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जिसका मतलब ये है कि हम जेक्वेरी का यूज़ अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेज में करना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं और इसमें हमें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना होता। ये जेक्वेरी की इंट्रोडक्शन पार्ट हो गई। अब हम बात ये करते हैं कि जेक्वेरी का नीड क्यों पड़ता है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं जेक्वेरी का, व्हाट इज़ द नीड ऑफ जेक्वेरी। जेक्वेरी हमारे वेब पेज को, जो हम पेज डिज़ाइन करते हैं उसको, ये मोर अट्रैक्टिव, मोर इन्हेंस और मोर ब्यूटीफुल करता है, जिससे कि इसकी अट्रैक्शन और बढ़ जाती है। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे ये स्लाइडर बनाया गया है। तो ये स्लाइडर जो है ये जेक्वेरी के ही थ्रू बनाया गया है, जिससे कि आपकी पेज मोर अट्रैक्टिव और मोर ब्यूटीफुल हो जाती है। आइए कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं जेक्वेरी का, कि इसमें हम और भी क्या क्या कर सकते हैं। जेक्वेरी का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो फेसबुक है। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जब हम किसी भी फेसबुक के लिंक पर, हम जब कर्सर को ले जा रहे हैं, तो ये उस पर्टिकुलर लिंक की सारी डिटेल्स को फेच कर रहा है, यानी सीधे सीधे ये डेटाबेस से बिना पेज को रिफ्रेश किए डेटा को आपके सामने शो कर रहा है। तो ये जेक्वेरी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जिसमें कि ये एजेक्स के थ्रू डेटाबेस को बिना पेज को फ्रेश किए ये सर्वर से डेटा को फेच कर रहा है और आपके सामने शो कर रहा है। तो जेक्वेरी का इस्तेमाल आज के डेट में सबसे अधिक होता है एज अ प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर। अगर आप बनना चाहते हैं तो बिना आप जेक्वेरी पर अच्छा कमांड किए आप इसमें कोई भी अच्छा वर्क नहीं कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट बेहतर है या जेक्वेरी बेहतर है, किसका इस्तेमाल करें किसका ना करें। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, आप जो है प्रोग्राम अच्छा बनाना जानते हैं, तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए बेहतर है। लेकिन जेक्वेरी में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर आपको अच्छी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं भी है, आपको ठीक ठाक एक एवरेज नॉलेज है, तो आप जेक्वेरी में बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। अदरवाइज जावास्क्रिप्ट में मोर प्रोग्रामिंग है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि जावास्क्रिप्ट बहुत सारे ब्राउज़र्स में कंपेटिबल नहीं होता, बहुत सारे ब्राउज़र्स में इसमें इश्यूज़ आती हैं, बट जेक्वेरी जो है हर तरह के ब्राउज़र्स में कंपेटिबल होता है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेज हैं जिसकी वजह से जावा क्वेरी का इस्तेमाल, जेक्वेरी का इस्तेमाल सबसे लार्ज अमाउंट में आज के डेट में होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जब क्लिक किया तो ये जो बॉक्स है देखिए ये मूव कर गया। तो इस तरह की चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से जेक्वेरी बना सकते हैं और बिना बहुत कम कोड लिखे। अब इस दूसरे एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमने स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक किया तो ये बॉक्स जो है ये गायब हो जाएगा और फिर ये बॉक्स वापस आ जाएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर ये बॉक्स वापस आ जाएगा। तो इस तरह के जो एनिमेशंस हम देते हैं वो हम जेक्वेरी के ही माध्यम से देते हैं। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, हम अगले वीडियो में जेक्वेरी के कोड पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।